हरिओम श्री राम अम्बज्ञ। मैं अशोक राजाराम सालवी सीओड़ नवी मुंबई केंद्र से। बापू ने मुझे ज़िंदगी में बहुत बड़े अनुभव दिया है कि बापू की कृपा रहेगा तो अपने कौन सा भी संकट से अपने को निभा देता है वो। 2010 साल में मेरा लेफ्ट साइड आँख का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद मुझे दिखाई नहीं दे रहा था बराबर। डॉक्टर को मैं बोल दिया कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है बराबर, नहीं बोला हमारा ऑपरेशन तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा 3 महीना मैं लगातार कर रहा था। ऑफिस में जाते के समय अपना जो ग्लास था उसके ऊपर पेपर रबर बैंड से बांध करके एक आँख से मैं ऑफिस में जाता था, काम करता था, वापस आता था। 3-4 महीना हो गए वही वापस डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोला कि ठीक है एक काम करो आप, आपका ब्रेन का सीटी स्कैन करो। तो ब्रेन का सीटी स्कैन करने के बाद मालूम पड़ गया कि मेरा वो ब्रेन में बहुत बड़ा ट्यूमर है, उसके वजह से मुझे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। बाप रे, ऐसा ये न्यूज़ सुन के मैं सुचित दादा के पास गया। सुचित दादा बोले ठीक है कोई फिक्र मत करना, ऑपरेशन ज़रूर करना, जाके ऑपरेशन कर लो आप। और उसके साथ मैं सुचित दादा को मिलने के बाद मैं डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेके हिंदुजा हॉस्पिटल में मेरा ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हो गया। आईसीयू जो स्पेशल आईसीयू रूम रहता है उसमें मुझे जब होश आने के बाद ऐसा हो गया कि मुझे बहुत भूख लग रही है। सिर तो दुख रहा था लेकिन मुझे प्यास लगी, भूख लग रही, मैं बोल रहा है कि मेरा सिर दुख रहा है, मुझे खाने के लिए दे दो, मुझे पानी दे दो। ये बोलते क्या पागल आदमी, आप भी तो ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करके आ गए और पानी मांग रहे, खाने के लिए खाना मांग रहा है। बोला नहीं मिलेगा डॉक्टर आने तक। दूसरा दिन तक मैं ऐसे अपना रह गया। दूसरा दिन डॉक्टर आने के बाद डॉक्टर को पहला बोल दिया, डॉक्टर आप मुझे पहला खाना दे दो, मुझे पानी दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है, भूख लगी है। डॉक्टर ने चेक किया, बोलते अरे इसको इमीजिएटली नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करो, इधर रखने का उसको ज़रूरी नहीं है, इसको कोई सिम्टम दिखाई नहीं दे रहा है, भेज दो उसको उधर। उधर जाने के बाद मुझे खाने के लिए दिया, जूस वगैरह पीने के लिए दिया और ठीक हो गया। यह ऑपरेशन मेरा मंगलवार के दिन हो गया। बुधवार के दिन गया, बुधवार के दिन मेरे मिसेज के पास से मैं 5 रुपया लिया। तो गुरुवार के दिन सुबह न्यूज़पेपर वाला हॉस्पिटल में आता है, सुबह 6 बजे आया था, तो उसके पास से मैं न्यूज़पेपर लिया और वो पढ़ने चालू किया। वही दिन से मुझे इतना अच्छा दिखाई देने लगा कि मैं बोला बापू तेरे कितनी कृपा। अभी 2 दिन में मैं अच्छी तरह से पढ़ने भी लगा। जैसा अभी गुरुवार के दिन डॉक्टर आ गए, बोले अरे तुम क्या पेपर पढ़ रहे हो, बोला पेपर पढ़ रहा है, अरे जिसको डिस्चार्ज दे दो इसको क्यों रखने का इधर, ऑपरेशन ब्रेन ट्यूमर का हो गया 2 दिन भी नहीं हो गया, तो बोलिए उसको भेज दो डिस्चार्ज करो। बोला ठीक है कभी भी भेज दो। लेकिन उन्होंने 2 दिन ऐसा रखे, संडे के दिन मुझे वापस भेज दिया। ये सब कृपा किसकी है, ये सब मेरे बापू की कृपा है। इतना बड़ा हादसे में भी उसने मुझे एकदम चलने के लिए अच्छी तरह से रास्ता दे दिया। जो आदमी दिख नहीं सकता था बराबर, पढ़ नहीं सकता था, वो पढ़ भी सकता है और अभी दिख भी सकता है अच्छा, और अपना नॉर्मल में काम भी करने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑपरेशन होने के बाद 2-3 महीने तक मैं बेड पे रहेगा, कुछ नहीं करेगा, लेकिन मेरा बापू की कृपा मेरे ऊपर इतनी हो गई कि उसने मुझे हफ्ते भर में अपना काम चालू कर दिया। अम्बज्ञ।